विद्युत विभाग धौरीमन्ना में कार्यरत लाइनमैन के खिलाफ कुछ लोगों द्वारा एक दिन पहले शिकायत करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि कुछ लोगों द्वारा द्वेष भावना रखकर लाइनमैन के खिलाफ झूठी शिकायतें और टारगेट कर यहां से हटाने के लिए साजिश रची जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि लाइनमैन प्रकाश खिलेरी कई वर्षों से धौरीमन्ना में अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं जो झूठी हैं। आमजन से जुड़े कामकाज के लिए लाइनमैन हमेशा तत्पर रहते हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं और ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर लाइनमैन प्रकाश खिलेरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर विद्युत विभाग धौरीमन्ना में यथावत रखने की मांग की है। प्रकाश जी के सही आदमी है, इनके खिलाफ कोई चुप्पी की गई है अपनी साजिश की वजह से। और हमारे लिए तो जब भी कोई काम पड़ता आधी रात पहुंच जाते हैं फोन करने पे। अब क्या मांग है आपकी? इनको ही रखा जाए लाइन में। हरी भरी है नहीं, गलत है नहीं, सही है। मेन लाइन प्रकाश सही है, गलत नहीं। और कोई काम काज प्रकाश आवे। कल ज्ञापन दिया कई लोगों ने कि प्रकाश सही नहीं है, गलत है, कोई छोरा ही दोरे दिया है, गलत है। अच्छा, सब झूठा है। क्या मांग क्या है अब आपकी? मांग की बहुत ये रहना चाहिए। अच्छा। प्रकाश, अच्छा, दूसरा कोई नहीं हमारे वहाँ। आधी रात को फोन प्रकाश आवे आधी रात। प्रकाश पर वो आरोप लगा रहे हैं काम सही नहीं कर रहे। वो निर्दोष है, प्रकाश निर्दोष है, वो दोषी है, गलत कर रहा है।